नमस्कार नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ उत्कर्ष कुमार आज हम खड़े हैं आर के जो मुख्य घर है जिसको कहते हैं रावरी आवास उसके सामने आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन को जो कुल सीटें आई हैं वो एक हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा और कहा जाए एक तरह से कि बिहार में सबसे ज़्यादा सीट जिसको आई है वो है आर राष्ट्रीय जनता दल जिसके संस्थापक हैं लालू प्रसाद यादव आज हम उनके घर के सामने खड़े हैं आपको बता दें कि हालांकि इस बार सरकार नहीं बना पाए तेजस्वी यादव भले ही वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जरूर थे पर कुछ कारणवश आपको बता दें कि कांग्रेस की एक जो स्थिरता थी वो नहीं मिल पाई इस बार और आरजेडी इस बार सरकार नहीं बना पाई हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के इस बार बिहार में आई है कुल पचहत्तर सीट उन्होंने लाए हैं पचहत्तर सीट हासिल करने के बाद भी इस बार वह यहाँ पे सरकार नहीं बना पाई हालांकि कुछ देर पहले हम आरजेडी दफ्तर भी गए थे पर वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था कोई भी नहीं थे इस बार तेजस्वी यादव के कुछ कद्दावर नेता भी हैं जो इस बार हार गए आपको बता दें उसमें कुछ नेता ये हैं जैसे कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो केवटी से लड़ते थे इस बार वो हार चुके हैं हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ महागठबंधन की ही ऐसी ऐसी सीटें गई हैं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो एनडीए की भी गई हैं जैसे कि आपको बता दें एन के जो घटक दल हैं उसके जो सहयोगी हैं वी पार्टी के संस्थापक वह भी इस बार हार चुके हैं और आर के ही विधायक उन्हें हरा चुके हैं इनका नाम है सलाउद्दीन तो बाकी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़ धन्यवाद